नमस्कार, मयूरिस किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज के हमारे किचन में बनने जा रहा है गाजर का हलवा। बहुत ही इजी रेसिपी है और ये बनता बहुत ही टेस्टी है और झटपट बन जाएगा। तो हमें इसकी पूरी रेसिपी देखने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और पूरा वीडियो देखिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आपने अब तक मयूरिस किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मयूरिस किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे हलवा बनाने के लिए। पहले एक पैन को गरम कर ले और उसमें थोड़ा सा घी डाल ले। बस यहाँ पे मैंने हाफ टेबल स्पून घी लिया है और इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर दे पूरा कढ़ाई को, क्योंकि हम इसमें अभी दूध को बॉईल करने वाले हैं। अच्छा खासा बॉईल करना है हमें। तो ऐसा है कि हम ये घी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो हम लोग अभी दूध डाल रहे हैं ना, वो इस घी की घी क्योंकि हम लोग अभी जो दूध बॉईल करने के डाल रहे हैं ना, वो घी ये जो कढ़ाई है इसको चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं पूरा 1 लीटर दूध यहाँ पे डाल दे रही हूँ और इसे अच्छे से बॉईल करना है। तो इसे हमें अच्छे से स्टर करना है, इसे हम लोग 10 से 15 मिनट के लिए स्टर करने वाले हैं। और फुल फैट क्रीम मिल्क है ये, तो इसे अच्छे से स्टर करते करते ये थोड़ा गाढ़ा होने देना है इसे। तो देखिए यहाँ पे 10 मिनट मैंने अच्छे से इसे बॉईल कर लिया और लगभग ये 1/4 लेवल तक कम हो गया है दूध। अब हम इसमें हमारा जो कद्दूकस किया हुआ गाजर है, मैंने इसे इसको पहले पील ऑफ कर लिया था गाजर को, और उसके बाद हम इसे कद्दूकस कर लिया था, ग्रेट कर लिया है। और अब हम इसे इस दूध में अच्छे से बॉईल होने देना है। देखिए 10 मिनट में इतने अच्छे से इसने पूरा दूध सोक कर लिया है। अब हमें इसमें शक्कर डालनी है। ये यहाँ पे मैंने 1/2 कप शक्कर ले लिया है। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करना है हमें। यहाँ पे एक सेपरेट पैन ले ले, उसमें 2 टेबलस्पून घी डाल ले और इसमें ये ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दे और ये पूरा घी अब जाएगा हलवे में। और ये सारा घी और ये ड्राई फ्रूट्स जाएगा हमारे हलवे में। देखिए अब हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए आपने देखा होगा कि मैंने इसमें मावा नहीं डाला है और ना ही इसमें कोई कंडेंस्ड मिल्क या फिर मलाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे कि दूध बॉईल होते होते वो मावा जैसे ही बन जाता है। और ये प्रोसेस काफ़ी इजी है और ये बनाने में भी बहुत ही इजी वे में बन जाता है। तो फिर अभी हम हमारा हलवा सर्व कर देते हैं। देखिए हमारा हलवा बनकर रेडी हो चुका है। कितना सॉफ्ट लग रहा है और खाने में काफ़ी टेस्टी है। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।